हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब अते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक अते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहन लई तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ते अज दी पहली वड्डी खबर है विरोध प्रदर्शन दे विचकार सरकार दा फैसला। इस साल दी भर्ती लई वध तों वध उमर सीमा वधा के कीती 23 साल। तां दोस्तों फौज दे विच भर्ती लई लागू नवीं योजना अग्निपथ नूं लै के देश भर दे विच प्रदर्शन हो रहे ने, जिस दौरान मोदी सरकार ने वड्डा फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने इस योजना के तहत इस साल भर्ती लई वध तों वध उमर सीमा 21 साल तो वधा के 23 साल कर दिती है। अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए सरकार ने कहा कि सारिया नवीं भर्तियों के लिए उमर सीमा 17.5 साल तो 21 साल के विचकार होनी चाहिए है। रक्षा मंत्रालय के बुलारे ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2 साल दौरान भर्ती संभव नहीं हो सकी तो सरकार ने फैसला किया कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया लई एक बार छोट दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इस लई उपरली उम्र सीमा अग्निपथ स्कीम के तहत 2022 की भर्ती वास्ते उम्र वधा के 23 साल कर दिती है। अगली खबर है बलवंत सिंह राजोआणा ने जेल के विचों लिखी चिट्ठी लोगों भैन नूं पाउण दे लई वोट की अपील। पढ़ो होर की लिखिया चिट्ठी दे विच। तां दोस्तों कांग्रेस नूं वोट पाउण दा मतलब है कि 1984 दे विच दरबार साहिब ते हमला करवाउण वाले गांधी परिवार दे हत्थ मजबूत करना। भाजपा नूं वोट देण दा मतलब है कि किसान संघर्ष दे विच 700 लोकां दी जान लैण वाले मोदी दे हत्थ मजबूत करना। ते आम आदमी पार्टी नूं वोट देण दा मतलब है कि पंजाब दे फतवे दा अपमान करन वाले केजरीवाल ते राघव चड्ढा दे हत्थ मजबूत करना अते दिल्ली विच बैठ के पंजाब नूं चलाउणा। सिमरजीत सिंह मान केंद्र दीआं एजेंसियां कोल है ते केंद्र दीआं एजेंसियां उन्हां नूं किसे समय सारे देशों के बीजेपी दे दिंदियां ने। उन्हां नूं 1999 तो लैके हुण तक उगराही की लड़ाई लड़ रहा है ते मेरी भैण नूं वोट दिओ जो मेरे अते बाकी सिंघां दे लई लगातार लड़ रही है अते उह लोक सभा दे विच जाके साडी आवाज़ बुलंद कर सकती है। अगली खबर है पंजाब पुलिस वल्लों 4 पिस्तौल ड्रग मनी 3 कारां सने 5 व्यक्ति किए गिरफ़्तार। 4 मुलजम हिंसक अपराधों के कई मामलों में लोड़ींदे। तां दोस्तों पंजाब पुलिस ने नशियां ते हथियारों की तस्करी करने वाले रॉकेट का पर्दाफाश करदिआं टी पॉइंट लाडोवाली रोड जलंधर विखे विशेष पुलिस चैकिंग के दौरान 5 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया। इस रैकेट का पर्दाफाश जलंधर कमिश्नरेट पुलिस के एंटी नारकोटिक सैल में वरतों किया गया। गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पछाण सन्नी समाइल उर्फ शेरू दिवांस उर्फ बंस हैप्पी और लव कुमार सारे वासी जलंधर वजों की गई है। पुलिस ने उन्हें कब्जे में 4 बत्ती बोर के पिस्तौलों के समेत 6 मैगजीन 32 जिंदा कारतूस 6.5 लाख रुपए की ड्रग मनी 103 ग्राम हेरोइन 3 कारा मरुति स्विफ्ट हंडियाई सेंटर उत्ते होंडा अमेज अते 550 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया है। अगली खबर है सिद्धू मूसेवाला कतलकांड का पर्दाफाश करने के लिए एक छोटे जिहे सुराग राही पंजाब पुलिस दीआं टीमां फतियाबाद पहुंचियां। तो दोस्तों जुर्म के बरती की गड्डी विचों मिले एक छोटे जिहे सुराग अते प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर पंजाब पुलिस नूं प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कतल तो पहला वापरियां घटनावां दा पर्दाफाश करन विच मदद मिली है, जिस सदका मुख साजिशकर्ता गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे समेत 10 दोषी व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया जा चुकिया है। पुलिस ने इस वारदात विच शामिल 4 शूटरां दी पछाण भी कर ली है। 29 मई नूं शाम 5 बजे के करीब अपने 2 व्यक्ति गुरविंदर सिंह ते गुरप्रीत सिंह दे नाल जदों सिद्धू घरों निकले सी ते कुछ अणपछाते व्यक्तियों ने गोलियां मार के कतल कर दिता सी। अगली खबर है सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच होया वड्डा खुलासा। कतल तो पहला बुलट प्रूफ गड्डी दी भी होई सी रेकी। तां दोस्तों पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे कतल केस विच वड्डा खुलासा होया। सूत्रां दी मन्निए तां पंजाब पुलिस दी सिट ने दी जांच विच सामने आया कि मूसेवाला दे कतल तो पहला उन्हां दी बुलट प्रूफ गड्डी दी भी रेकी कीती गई सी। बसनोई अते गोल्डी बराड दे सूत्रां ने जलंधर जाके यह पता लगाया कि सिद्धू मूसेवाला दी कार दे शीशे किन्ने MM दे हन अते उन्हां दी बुलट प्रूफ कार दे पिछले पासे बॉक्स है जां फिर नहीं। अगली खबर है आम आदमी पार्टी नूं लग्गिया वड्डा झटका। सामलाट जमीनां दे कब्जे नूं लैके 70 परिवारां नूं मिली राहत। अदालत दे वल्लों स्टे।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 70 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 110 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ADC ਮਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਾਨੂਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ CM ਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ LPG ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 1450 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4400 ਰੁਪਏ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2900 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਵ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ DA ਇਕੱਠਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ DA ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ May 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ DA ਵਾਧੇ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਬੇਕਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿਆਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੱਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। PAU ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 12,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ 2 ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਫੇਰ ਹੋਏ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। 690 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ 12,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ PSPCL ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ 11 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ 22.15 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 24,38,00,000 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 233 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 263 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अगली खबर है 24 जून नूं होवेगा पंजाब विधानसभा का इजलास। तो दोस्तों पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित दे वल्लों 16वीं पंजाब विधानसभा नूं इस दे दूजे बजट समागम के लिए 24 जून नूं सवेरे 11 बजे पंजाब विधानसभा भवन चंडीगढ़ के विखे बुलाया गया है। अगली खबर है अग्निपथ स्कीम नूं लैके हरियाणा और बिहार के विच हिंसक प्रदर्शन। तो दोस्तों सरकार दे वल्लों हथियारबंद बलों विच भर्ती लई एलानी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के वख-वख हिस्सों विच होए प्रदर्शन के दूजे दिन भी हिंसक रूप धार लिया सी। हरियाणा की कई थावां ते पुलिस ते प्रदर्शनकारी नौजवानों के विच हिंसक झड़प्पां होईयां ने। पलवन विच गुस्से विच आए नौजवानों ने 3 पुलिस वाहन भी फूक दित्ते ने ते डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की भन्न तोड़ भी की है। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के विच रेल ते कौमी मार्गों ते आवाजाई भी ठप्प कर दित्ती है। अगली खबर है CBSE दे वल्लों 10वीं ते 12वीं जमात दे नतीजे जुलाई दे विच आउणगे। तां दोस्तों तुहानूं दसीए कि CBSE बोर्ड ने 10वीं ते 12वीं जमातां दे नतीजिआं दा ऐलान 15 जुलाई नूं करन दा फैसला कीता है। जानकारी दे अनुसार देश दे 35 लख विद्यार्थियों ने बोर्ड प्रीख्यावां दित्तियां ने। अगली खबर है देश दे विच करोना दे 12213 नवें मामले ते 11 मौतां। तो दोस्तों भारत में एक दिन के अंदर COVID-19 के 12213 नवे मामले सामने आने के नाल करोना मरीजों की गिणती बढ़ के 4,32,57,730 हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के वलों जारी किए अंकड़ों के अनुसार करोना करके पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई है, जिस तों बाद मरण वालों की जो गिणती है 5,24,803 तक जा पुजी है। अगली खबर है सिद्धू मूसेवाले कतल केस दे विच गैंगस्टर लॉरेंस बसनोई कोलों पुछ पड़ताल के दौरान बड़े खुलासे। तो दोस्तों पंजाबी गायक ते कांग्रेसी आगू शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले कतल के मामले में पुलिस नूं लॉरेंस बसनोई ते होरना मुलजमां कोलों कीती गई पुछगिछ पड़ताल के दौरान अहम सुराख मिले ने। पंजाब पुलिस ने कनेडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के हुशियारपुर जेल के बंद जीजे गुरविंदर गोरा नूं पुछगिछ पड़ताल के लिए प्रोडक्शन ब्रांट के हिरासत के लिया गया। पुलिस के अनुसार लॉरेंस बसनोई ही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। उसने पंजाब समेत होरना सूबों के गायकों अदाकारा कारोबारियों को फरौतियां मंगण की भी गल कबूली है। उसने पुलिस को यह भी दसिया कि वह तिहाड़ जेल चो ही मोबाइल फोन से सिग्नल ऐप राही कनेडा बैठे गैंगस्टर गोली बराड़ नाल तालमेल करता सी। गोरा अपराधिक मामले में हुशियारपुर जेल के बंद है। उंज उस विरुद्ध वख-वख थाणियां विच करीब 9 केस दर्ज ने। CI कैंप दफ्तर के लॉरेंस बसनोई और गोरे नूं अमू सामने बिठा के पुछ पड़ताल की गई है। दसना बनता है कि लॉरेंस ने पुछगिछ दौरान गोरे का नाम लिया सी। जांच विच यह भी पता लग्या कि सिद्धू मूसेवाले नूं मारन की योजना जनवरी 2022 दे विच बनाई गई सी। उदों ही संदीप केकड़े नूं रेकी करन दे काम च लगाया गया सी। चोणां विच खड़े होण कारण मूसेवाले नाल हर वेले सुरक्षा गार्ड रहिंदे सी, जिस कारण उदों उस दी हत्या नहीं की जा सकी। तो तुहानू दसीए कि उस तो बाद केकड़ा पल पल की खबर उन्होंने दे रहा है। तो उधर पुलिस हुण गैंगस्टर पवन बिसनोई मोनू डांगर नसीब खान मनप्रीत उर्फ मन्ना उर्फ भाऊ नूं पुछ पड़ताल दे लई लिया सकती है। उन्होंने भी लॉरेंस बसनोई नाल बिठा के क्रॉस पुछगिछ की जाएगी। पवन बसनोई ने ही सूटरां नूं बुलारो गड्डी ते पनाह दित्ती सी। मोनू डांगर ने गोल्डी बराड़ के कहण ते सूटरां की टीम बनाई सी, जिन्हां चों 4 सूटरां की पछाण कर ली गई है। चरणजीत सिंह नां दे मुलजम ने हथियार ते जाली नंबर प्लेटां मुहैया करवाईयां सन। एक पेट्रोल पंप की पर्ची भी पुलिस के हत्थ लगी है। कहा जा रहा है कि मूसेवाले के कतल लई वरती गई वलैरो गड्डी 25 मई नूं फतियाबाद तों डीजल पवाया गया सी। लॉरेंस बसनोई नूं जिला CIA स्टाफ मोहाली के कैंप दफ्तर खरड़ दे विच रख्या गया। इसका एक कारण यह मनिया जा रहा कि CIA स्टाफ का यह कैंप दफ्तर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और मोहाली की जूह विच है। चंडीगढ़ और मोहाली विच पंजाब पुलिस के मुख्य दफ्तर समेत खुफिया विंग SIT सैल स्पैशल ऑपरेशन सैल OCO के समेत एंटी गैंगस्टर सैल भी स्थापित ने। अगली खबर है ईरकपुर खेतर दे विच 24 घंटों तो बिजली सप्लाई ठप्प। तो दोस्तों बीती रात चली तेज हनेरी के कारण ईरकपुर दे विच बिजली संकट खड़ा हो गया। झखड़ के कारण शहर नूं बिजली सप्लाई करन वाली मेन लाइन के 3 खंभे उखड़ गए ने, जिस कारण प्रभावित ग्रिड नूं सप्लाई होने वाले सारे फीडरां तो बिजली सप्लाई ठप्प पई है, जिस करके 24 घंटों तो उत्थे बिजली संकट खड़ा हो गया है।
तो दोस्तों यह सन अज सवेर दियां ताज़ा ते मुख वड्डियां खबरां। जे तुहानूं साडा यह वीडियो ते जानकारी वधिया लगी है तो अपने दोस्तों मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो। तो जे तुसीं चैनल ते पहली वार आए हो जां चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लिओ ते नाल बने घंटी नूं वी दबा दिओ तां जो तुहाडे तक आउण वाली हर एक नवीं खबर सब तो पहलां पहुँचदी रहे। धन्नवाद।